तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल फ्रेंड टेक्निकल विद मस्ती में। तो गाइस आज मैं आप सभी के बहुत धमाकेदार ऑफर ला चुका हूँ गाइस, जिसमें आप लोग 100-100 करके रुपए लूटोगे। बस गाइस वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, और जो लोग चैनल पर नए आए हो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर देना। तो गाइस बस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए गाइस, और टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस आज मैं वीडियो लेट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि गाइस कुछ दिनों से नेट नहीं चल रहे थे, तो मुझको ये खबर मिली है कि 4 बजे नेट कई जगहों पे चालू हो जाएंगे, इसलिए आज मैंने लेट से वीडियो डाली ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। ओके तो गाइस चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज मैं जिस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ उस ऐप का नाम जो है वो है ई कैश वॉलेट। ओके तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें अपनी अर्निंग दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को USA नंबर रेफर बाईपास करके दिखाऊंगा। अगर बैकग्राउंड से कोई भी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ 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 गाइस उसको अवॉइड करना। तो देखिए हम लोगों का ई कैश वॉलेट एप्लीकेशन हम लोग ओपन हो जाने देते, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके तो गाइस देखिए मेरे यहाँ पे 100 कॉइन्स पड़े हैं। ओके गाइस तो यहाँ पे मेरे 100 कॉइन्स पड़े होंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को इनवाइट अनलिमिटेड रेफर बाईपास से आप लोगों को कैसे करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का इनवाइट फ्रेंड्स नीचे दिख रहा है, इस पर आप लोगों को टैप कर देना है। तो जैसे आप लोग टैप करोगे तैसे आप लोगों को यहाँ भी आपका रेफर कोड दिख जाएगा। ओके इस पर आप लोगों को टैप टू कॉपी कर लेना है। ओके आप लोगों को यहाँ पर रेफर 2500 और यहाँ पे 15,000 अगर आपका फ्रेंड जो पहले आप लोग जैसे उस कोड डालेगा आपका फ्रेंड तो आप लोगों को 2500 रुपीज़ मिल जाएंगे 2500 कॉइन्स, और अगर आपका फ्रेंड फर्स्ट टाइम विड्रॉल लगाएगा तो आप लोगों को 15,000 कॉइन्स और मिल जाएंगे। ओके लेकिन गाइस जो आप लोग मान के चलिए मेन टारगेट आप लोगों का 2500 कॉइन्स। ओके तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने जब आपने इन्विटेशन कोड कॉपी कर लिया उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ऐप क्लोनर। ऐप क्लोनर का मॉड वर्जन है, इसके लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो गाइस टेलीग्राम चैनल को मस्ट बाई मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को ऐप क्लोनर खोल के दिखा देता हूँ कैसे आप लोगों को विड्रॉल लगाना, कैसे इसमें अनलिमिटेड ट्रिक यूज़ करनी। ओके तो गाइस बस वीडियो पे आप लोग लास्ट तक रहना, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा। वीडियो को अगर स्किप कर दोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक तो गाइस देखिए यहाँ पे हम लोगों को ई कैश वॉलेट नाम का ये एप्लीकेशन है, इस पर हम लोग टैप करेंगे। ओके गाइस तो आप लोगों को अब क्या करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को यहाँ पे ये प्राइवेसी लॉक में आप प्राइवेसी ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे चेंज एंड्रॉयड आईडी पे क्लिक करना, IMSI नंबर पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे। ओके तो आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग देखना यहाँ पे आप लोगों को दोनों में रैंडम चूज़ कर लेना है। रैंडम चूज़ कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे हाइड सिम एंड ऑपरेटर इन्फॉर्मेशन पे चेक मार्क कर देना, और यहाँ पे वाईफाई एड्रेस पे भी चेक मार्क कर देना। उसके बाद आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक क्लोन कर लेना। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे एक क्लोन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे एक क्लोन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को कैसे इसमें रेफर बाईपास करना है, कैसे आप लोगों को विड्रॉल लगाना है। बस गाइस वीडियो पे लास्ट तक रहना, और जो लोग चैनल पे नए आए हो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर बैकग्राउंड से कोई भी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ गाइस उसको अवॉइड करना। ओके गाइस तो देखिए हम लोगों का ई कैश वॉलेट जो क्लोनिंग हो रहा है, मैं इसकी क्लोनिंग हो जाने देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों को इसमें रेफर बाईपास करना है। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों की क्लोनिंग होगी, हम लोगों को इंस्टॉल ऐप कह रहा है। तो चलिए मैं यहाँ इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करूँगा। तो गाइज़ ये देखिए मेरा यहाँ पे ई कैश वॉलेट जो यहाँ देखिए 8 नंबर मैंने इस पे लगाया था। तो चलिए मैं इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ओके गाइज़ बस वीडियो पे लास्ट तक रहना, आप लोगों को फुली USA नंबर रेफर बाईपास से बताऊँगा। अगर गाइज़ वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और पेमेंट भी रिसीव नहीं होगी। ओके फिर आप लोग कहोगे कि मुझको पेमेंट क्यों नहीं मिली। ओके गाइज़ तो बस वीडियो पर आप लोग लास्ट तक रहना। ठीक तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप इंस्टॉलिंग हो रही है, मैं इंस्टॉलिंग हो जाने देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए आप लोगों का आपके सामने करूँगा, वीडियो कहीं स्किप नहीं करूँगा, वीडियो कहीं पॉज नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा गाइज, बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक रहना। ओके तो देखिए हम लोगों की यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो रही है, इंस्टॉलिंग हो जाने देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आप लोगों को उसमें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक तो गाइज बस वीडियो पे आप लोग लास्ट तक रहो, जो लोग चैनल पे नए आए हो फिर से मैं बता दूँ आप लोग प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को तो जरूर दबा दीजिए। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप लोगों को मेरे आने वाले फ्यूचर में वीडियोज़ की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो गाइज देखिए ऐसा क्या आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ओपन दिख रहा है इस पर आप लोगों को टैप कर देना है। ठीक तो यहाँ पे आप लोग जैसे ओपन पे टैप करोगे तैसे गाइज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है। ठीक देखिए गाइज हम लोगों का यहाँ ओपन हो रहा है, हम लोग उसको ओपन हो जाने देते हो। ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है एरो, इस पर आप लोगों को टैप करना है। जैसे आप लोग एरो पे एक बार टैप करोगे ओके तो गाइज चलिए मैं यहाँ पे एरो टैप करता हूँ तो ऐसा आएगा। ओके ऐसा आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना। गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देने के बाद गाइज ओके यहाँ पे देखिए कंटिन्यू विद फेसबुक पे आप लोगों को टैप करना है। ओके मगर उससे पहले आप लोगों को अनलिमिटेड फेसबुक आईडी कैसे बनानी है USA नंबर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके तो आप लोगों को इसके लिए दो एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले फेसबुक। गाइज ये फेसबुक जो एप्लीकेशन है ये इसका ऑफिशियल वर्जन है। ओके आप लोगों को फेसबुक लाइट का इसमें इस्तेमाल नहीं करना, आप लोगों को फेसबुक का ओरिजिनल वर्जन यूज़ करना। ओके और एक और इसमें एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है टेम्प मेल। ओके गाइज टेम्प मेल की लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके तो टेम्प मेल को सबसे पहले आप लोगों को खोल लेना। ओके तो गाइज बस वीडियो पर लास्ट तक रहना। ओके तो गाइज मैं आप लोगों को फुली
यूएसए नंबर रेफर बाय पास्ट बता रहा हूँ, तो गाइस बस वीडियो में लास्ट तक रहना, आप लोगों को यूएसए नंबर भी नहीं लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पे इस आईडी से मैंने एक बना लिया, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ उस पर क्लिक करके। ओके तो जैसे मैं चेंज पे क्लिक करूँगा तो गाइस देखिएगा मेरे सामने यहाँ पे लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद यस कर देंगे। यस हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे इस पर कॉपी पे क्लिक करेंगे। ओके कॉपी कर लेंगे ये वाली ईमेल आईडी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से बता दूँ, आप लोगों पे फेसबुक लाइट का यूज़ नहीं करना, वरना आप लोगों का अकाउंट बैन भी हो सकता है। ओके तो गाइस अब आप लोग फेसबुक अकाउंट बनाना अच्छे से सीख लीजिए, वरना आप लोगों को फ्यूचर में भी कभी दिक्कत आ सकती है। ठीक तो देखिए हम लोगों का फेसबुक अकाउंट यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाने देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा पहले से एक लॉगिन, तो चलिए मैं उसको लॉग आउट कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मैं न्यू अकाउंट बना के दिखाता हूँ। तो देखिए मेरा ये लॉगिन आउट हो गया। ओके लॉगिन आउट हो जाने के बाद आप लोगों को इसमें क्या करना है देखिए आप लोगों को मैं अच्छे से समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को रेफर बाईपास करके भी दिखाऊंगा। ठीक तो जैसे मैंने उसको कॉपी कर लिया वहाँ से ईमेल आईडी, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट, इस पर आप लोगों को टैप करना है। ठीक इस पर आप लोग जैसे टैप करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। ओके इस पर नेक्स्ट पे आप लोगों को टैप कर देना। नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप देने के बाद देखिएगा आपके सामने पे कैसा ऑप्शन आएगा। ओके बस गाइस वीडियो पे आप लोग लास्ट तक रहना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे वेट कर देते हैं, हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस देखिए हम लोग जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तैसे हम लोग सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है और यहाँ पे लास्ट नेम। तो चलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम जैसे डाल देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे ये दिव्यांश के नाम से ही चलिए मैं यहाँ पे कोई भी नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, लेकिन गाइस कोई जेन्युइन नेम ही डाल देना है। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई भी नेम। ओके तो गाइस चलिए मैं यहाँ पे कोई भी नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 18 साल के ऊपर ही कोई डेट ऑफ बर्थ चुननी। ओके डेट ऑफ बर्थ चुन लेने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, चलिए कोई बात नहीं मेरा यहाँ पे गूगल प्ले ओपन हो गया। ओके तो कोई बात नहीं, मैं चलिए यहाँ पे बैक चलता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों को इसमें कैसे चीज़ बनानी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डाल दी डेट ऑफ बर्थ, हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसमें मेल ही चुनना है, फीमेल नहीं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों का मोबाइल नंबर डालने को कहेगा, तो आप लोगों को नीचे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप विद ईमेल। ओके यहाँ पे नीचे ये वाला देखिए साइन अप विद ईमेल, इस पर आप लोगों को टैप कर देना। जैसे आप लोग टैप करोगे तैसे आप लोगों को नीचे एक और ऑप्शन दिखेगा यूज डिफरेंट ईमेल। ओके इस पर आप लोगों को टैप कर देना। यूज डिफरेंट ईमेल पे टैप करने के बाद जो आप लोगों ने वहाँ पे ईमेल आईडी कॉपी की थी ना वाली यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देनी। ओके यहाँ पे हम लोग चलिए ये वाली ईमेल आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर बैकग्राउंड से कोई भी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ गाइस उसको अवॉइड कीजिएगा। ओके तो चलिए अब यहाँ पे पासवर्ड डालने को मुझको कह रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके गाइस बस वीडियो पे आप लोग लास्ट तक रहना, देखिए यहाँ पे कैसे आप लोगों को फेसबुक अकाउंट बनाने अनलिमिटेड। ओके तो चलिए मैंने इसमें पासवर्ड डाले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग उससे साइन अप कह रहे करने को, तो हम लोग यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्रिएटिंग योर अकाउंट होने लगा। ओके तो क्रिएटिंग योर अकाउंट होने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप लोगों को इसमें क्या करना। ओके यहाँ पे देखिए कभी एक लाइक का आइकन आएगा। ओके गाइस बस वीडियो पे लास्ट तक रहना, अगर चैनल पे नए आए हो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो स्किप कर दोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेन ट्रिक इसमें यही है कि फेसबुक आईडी कैसे बनाते हैं। कुछ लोग फेसबुक आईडी बनाना सिखाते हैं मगर वो बाद में एक्टिव नहीं होती। आप लोगों को फेसबुक आईडी फेक वाली एक्टिव कैसे करनी ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बस गाइस वीडियो पे आप लोग लास्ट तक बने रहना। ओके तो गाइस यहाँ पे क्रिएटिंग अकाउंट आप लोगों को पूरा हो जाने देना। आप लोगों को बैक है कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को चाहिए एक घंटा लग जाए। ओके लेकिन गाइस एक घंटा नहीं लगता, आप लोगों को 20-30 सेकंड में गाइस ये आप लोगों की यहाँ पे जो क्रिएट अकाउंट होता है वो हो जाता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मेरा ये क्रिएटिंग अकाउंट हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों यहाँ पे साइन इन होने लगेगा। ओके तो यहाँ पे हम लोग साइन इन होने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये देखिए आप लोग साइन इन होने लगा। ओके तो यहाँ पे मैं साइन इन होने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा। गाइस इसको एक्टिव करना अच्छे से सीख लीजिए। अगर आप लोग इसको एक्टिव करना नहीं जान पाओगे फेसबुक आईडी को तो आप लोगों की जो ट्रिक है वो काम नहीं करने वाली। ओके तो बस गाइस वीडियो पे आप लोग लास्ट तक रहना। ओके और जो लोग चैनल पे नए हो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर बैकग्राउंड से कोई भी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ को अवॉइड करना। अगर आप लोग सामने ऐसा ऑप्शन है तो आप लोगों का नॉट नाउ पे क्लिक करना, सेव पासवर्ड पे क्लिक कभी मत करना। ओके उसके बाद यहाँ पे आप ओके कर देना। ओके कर देने के बाद यहाँ पे आपके क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। कब आएगा आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे चलिए वेट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ऐसा आएगा, तो आप लोगों को कन्फर्म विद कोड INTIATE पे क्लिक करना। ओके इस पर आप लोग जैसे टैप करोगे तैसे आप लोगों के जो आप लोगों ने इसमें ईमेल आईडी डाली थी टेम्प मेल की उस पर आप लोगों के एक कोड आएगा। तो चलिए हम लोग टेम्प मेल पे आ चुके हैं, तो देख मेरा यहाँ पे कोड आ चुका है 2898। ओके तो यहाँ पे चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कोड। ओके तो यहाँ पे चलिए मैं कोड डाल चुका हूँ, डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे से कैसे होता है। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। ओके कंफर्म कर देने के बाद यहाँ पे देखिएगा आप एक्टिव करने की बारी है हम लोगों की। ये फेसबुक आईडी तो बन गई मगर हम लोग एक्टिव कैसे करेंगे। ओके अब एक्टिव करने के लिए आप लोगों को मस्ट बाई मस्ट एक कोई प्रोफाइल पिक्चर डाल देनी है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि प्रोफाइल पिक्चर ना डालो, आप लोगों को मस्ट बाई मस्ट एक प्रोफाइल पिक्चर डालनी ही डालनी है। अगर आप लोग प्रोफाइल पिक्चर इसमें नहीं डालोगे ना तो आप लोगों की आईडी एक्टिव नहीं होगी। ओके तो गाइस प्लीज़ प्रोफाइल पिक्चर आप लोग डाल दीजिएगा, इसको
स्किप मत करना, प्रोफाइल पिक्चर डालना गाइज जैन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसमें आप लोगों को प्रोफाइल पिक्चर डालनी ही डालनी है। अगर आप लोगों को एक बार में ना पड़े तो गाइज फिर आप लोग दूसरी बार में डाल देना, लेकिन गाइज इसमें कोई भी प्रोफाइल पिक्चर डाल देना, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ह्यूमन की डालो या कुछ भी ऐसी वैसी फ़ोटो आप लोग डाल सकते हो। ओके यहाँ पे चलिए मैं अपनी फोटो डाल देता हूँ। ओके गाइस तो यहाँ पे चलिए मैं अपनी फोटो डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या करना है। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे मेरे सेफ मैंने जैसे क्लिक कर दिया, तो यह वाली फोटो मैं अपनी डाल लूँगा। ओके आप लोगों को कोई फोटो इसमें डाल देनी है, अगर आप लोग प्रोफाइल पिक्चर नहीं सेट करोगे तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को आप लोगों का अप्रूव्ड नहीं होगा ये अकाउंट, और आप लोगों को यहाँ पे जो होगी ये आईडी जो एक्टिव नहीं होगी। ओके तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा आप लोगों के सामने यहाँ पे इंटरफेस आएगा। तो गाइस जैसे आप लोगों का प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्किप के ऊपर क्लिक कर देना, उसके बाद नीचे स्किप कर देना, आप लोगों के फ्रेंड्स नहीं जोड़ने जो भी फ्रेंड्स हैं, उसके बाद नॉट नाउ पे क्लिक कर देना। ओके नॉट नाउ पे क्लिक कर देना या फिर ओके पे कोई भी कर देना, उसके बाद फिर से नॉट नाउ पे क्लिक कर देना। ओके नॉट नाउ पे क्लिक करोगे आप लोगों की ये वाली आईडी बन जाएगी, लेकिन आप लोगों को बता दो ये आईडी आप लोग तभी यूज़ कर सकते हो लगभग ये एक घंटा पुरानी हो जाए। ओके जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखे मेरा यहाँ पे टाइम हो रहा है 4:11। ओके तो गाइज मैं इस आईडी को 5:11 पे यूज़ कर सकता हूँ, एक घंटे बाद ही आपको ये आईडी यूज़ करनी है, एक घंटे बाद ही तभी आपकी आईडी एक्टिव होगी, वरना आप लोगों का कोई एरर आएगा उस पर। ओके तो मैंने यहाँ पे 2-3 आईडी यहाँ पे पहले ही बना रखी थी, तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी पुरानी आईडी अपनी मैंने एक बना रखी थी एक घंटा पहले वाली, चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद फेसबुक पे क्लिक करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद फेसबुक पे क्लिक करूँगा, और मैं वाली अपनी जो ओरिजिनल आईडी है वाली मैं यहाँ पे दूसरी आईडी ने एक बना रखी है वाली मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये भी देखिएगा मैंने टेम्प मेल से बनाई है, लास्ट तक रहना। ओके तो गाइस देखिएगा मैंने ये वाली भी टेम्प मेल से आईडी बनाई, तो ये वाली भी मैं यहीं लूँगा। ओके तो गाइस बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक रहना, अगर बैकग्राउंड से कोई भी वॉइस आए तो प्लीज़ गाइस उसको अवॉइड करना। तो चलिए मैं यहाँ पे मैंने एक टेम्प मेल से पहले आईडी बना रखी थी। ओके तो मैं यहाँ पे चलिए वही वाली आईडी डाल देता हूँ, अगर वीडियो बड़ी हो जाए तब भी वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए टेम्प मेल की आईडी। ओके तो ये देखिए यहाँ पे टेम्प मेल की आईडी, तो मैं चलिए यहाँ पे टेम्प मेल की आईडी एक डाल देता हूँ। ओके तो यहाँ पे जैसे मैंने ये टेम्प मेल की आईडी है ये वाली मैं डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है। ओके तो चलिए मैंने ये वाली जैसे टेम्प मेल की आईडी जो है ये वाली जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी। ओके अब यहाँ पे चलिए मैं इसका पासवर्ड भी डाल देता हूँ, ये वाली आईडी मैंने एक घंटा पहले ही बना ली थी। ओके आप लोगों को एक घंटा पहले जो आईडी बनाओगे वही वाली आईडी यूज़ कर पाओगे, यानी आपने जो न्यू आईडी बनाई होगी उसको आप लोग एक घंटे बाद ही यूज़ करना। ओके 10-20 आईडी बना लेना, उसके बाद एक घंटे बाद आप सभी आईडी को यूज़ कर पाओगे। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ओके लॉगिन पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तैसे देखेगा मेरे सामने यहाँ पे लोडिंग होने लगी। ओके लोडिंग हो जाने के बाद देखिएगा गाइस यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मैंने दीक्षा के नाम से यहाँ पे मैंने आईडी वाली बनाई थी। ओके तो आप लोग नीचे देख सकोगे। ओके तो ये देखिए यहाँ पे दीक्षा के नाम से आ गई आईडी। ओके अब हम लोग कंटिन्यूअस दीक्षा पे क्लिक करेंगे। ओके कंटिन्यूअस दीक्षा पे क्लिक कर देने के बाद देखिएगा यहाँ पे मेरा ये अकाउंट जो है वो बन जाएगा। ओके तो यहाँ पे देखिए लोडिंग होने लगी। ओके आप लोगों को फिर बता दूँ आपकी आईडी जो भी फेसबुक की न्यू बनाओगे वो आप लोगों को एक घंटा बाद ही यूज होगी। आप लोग जैसे साइनअप करोगे आप लोगों को 1000 क्वाइंस मिल जाएंगे। ओके अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इनपुट कोड में आप लोगों को आप लोग जब फर्स्ट टाइम आईडी बनाओगे तो आप लोगों को मैं स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में कोड शो होगा वाला डालना है। ओके और आप लोग जब सेकंड टाइम आईडी बनाओगे मतलब फेक आईडी तब आप लोगों को आपके अपनी ओरिजिनल आईडी का डाल देना। ओके तो चलिए मैं अपनी ओरिजिनल आईडी में चलता हूं, उसके बाद वहां से मैं अपना जो ई कैश वॉलेट का जो कोड है रेफर वाला वो मैं यहां से कॉपी कर लूंगा, उसके बाद वहां पे डालूंगा। बस गाइस वीडियो पे लास्ट तक रहना, अगर चैनल पे नए आए हो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके तो चलिए मैं इनवाइट्स फ्रेंड्स पे चलता हूं, उसके बाद यहां टैब टू कॉपी कर लेता हूं। ओके तो मैंने जैसे यहां पे ये कॉपी कर लिया, उसके बाद हम लोग यहां पे इनपुट कोड में जाएंगे। ओके और आप लोग जब मेरा रो कोड डालेंगे जो स्क्रीन पे शो रहा हो तो आप लोगों को यहां पे 10,000 पॉइंट्स एडवांस के मिल जाएंगे। ओके तो गाइस देखिए मैंने वहां पे डाला तो मेरे यहां 1000 पॉइंट्स है, तो मुझे 10,000 पॉइंट्स एडवांस में मिल गए। ओके अब आप लोगों को विड्रॉल कैसे करना आप लोगों को चल के मैं दिखा देता हूँ कि मेरा यहाँ रेफर बाईपास हुआ नहीं की। ओके तो यहाँ पे देखिए मेरे 100 पॉइंट्स तो मेरे यहाँ पे 2500 पॉइंट्स और मिल गए, यहाँ पे मेरे 2600 पॉइंट्स हो गए। ओके विड्रॉल करने के लिए आप लोगों को मिनिमम 30,000 पॉइंट्स चाहिए और यहाँ पे 1,50,000 पॉइंट्स चाहिए। ओके गाइस तो आप लोगों को मिनिमम 12 आईडी बनानी होगी, आप लोगों के 10 रुपये आप लोग निकाल पाओगे। ओके आप लोगों को इस पर टैप करना, तो यहाँ पे देखिए 2-3 दिन गाइस बता रहा है, लेकिन गाइस ये ऐप जो वो इंस्टेंट पेमेंट देती है। ओके ये ऐप जो इंस्टेंट पेमेंट देती है। ओके तो यहाँ पे मेरे पास अभी 30 रुपीज़ नहीं, अगर होते तो मैं आप लोगों को इंस्टेंट पेमेंट लगा के भी दिखाता हूँ। ओके तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।